करेण बीड़ां परिवादयन्ती तथा जपन्ती मपरेण मालां मराल पृष्ठान संसन्न पृष्ठां सरस्वती तां शिरसां नमामि। नमस्कार मित्रों, बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, ढेर सारा आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा, माँ शेरावाली की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, और उन बच्चों के लिए भी और उन माता पिता के लिए भी कहना चाहूँगा कि जिनका बच्चा पढ़ाई नहीं करता है या पढ़ने में थोड़ा वीक है या स्मरण शक्ति में थोड़ा सा दिक्कत है, तो आज का ये सुनहरा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। दान पुण्य स्नान तथा माँ सरस्वती की पूजा आज अवश्य करवाइएगा अपने बच्चे के हाथ से। माँ सरस्वती की पूजा, क्योंकि विद्या की देवी हैं। आप अपने बच्चे को स्नान इत्यादि कराने के पश्चात में आप स्वयं भी स्नान इत्यादि करके अपने बच्चे के हाथ से अपने घर के मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करवा दीजिएगा। निश्चित रूप से देखिएगा बच्चे के में काफी हद तक करके चेंज लगाएंगे और बच्चे के मस्तक पर लाल कलर का टीका आज अवश्य लगाइएगा। मित्रों, आज जानते हैं कि 14 फरवरी 2024 का आज का राशिफल, और खास करके जिन बच्चों के लिए विद्या में अगर दिक्कत है तो आज का विशेष उपाय क्या करना है। सरस्वती कवच सिद्ध करवा करके आप अपने बच्चे को धारण करेंगे, अत्यधिक लाभ देखेंगे आप। आज अगर इस बच्चा अगर को धारण करता है और सिद्ध होता है तो इसका रिस्पॉन्स आपको 10-15 दिन के अंदर में अवश्य प्राप्त होगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, पहली राशि लेते हैं मेष राशि, जिसका स्वामी स्वयं मंगल, और मंगल आपकी जन्म पत्रिका में जो स्थित है वो आपके उच्च का होकर के बैठा, यानी कि आपका कार्य बहुत अच्छा होने वाला है आज। और आज आपके काम, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो कि आपके बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाहर जाने का अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, विदेश जाने के लिए, अपनी मातृभूमि छोड़ करके दूसरे देश में जाना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। प्लानिंग आप करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी। व्यापारियों के लिए लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा, तो वहीं पर पिता और पुत्र के बीच में आज वैचारिक मतभेद जो है होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा, इसलिए पिता के साथ में संबंध को मधुर रखने का प्रयास कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे आप, ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करना है, और साथ में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान भी आपको करना है। भोजन दान करें, दूध दान करें, फल इत्यादि वितरण करें, कुछ ना कुछ जो है कि आज दान करने से मान सम्मान में वृद्धि भी होगी, उच्च पद पर आप आसीन भी हो सकते हैं, परिवर्तन आपके कैरियर और लाइफ में परिवर्तन होने का दिन है आपका, और देखिएगा होगा जरूर, आज कुछ ना कुछ खुशखबरी आपको अवश्य प्राप्त होगी। आज आपका लकी कलर रहेगा नारंगी और भाग्य साथ देगा 21%। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन काफी बेहतर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पर भाग्य बहुत अच्छा होगा आज आपका। तो वहीं पर स्थिति होती है कि आपको स्वास्थ्य और हेल्थ पर विशेष ध्यान रखना है, नसों से संबंधित प्रॉब्लम्स या आपको किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, पेट के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है, कोई पुरानी बीमारियां हो सकती है या यूरिन से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स होता है, तो अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है। बच्चों पर पूर्ण रूप से फोकस जो है कि बना रहेगा आज, तो क्यों ना आप अपने बच्चे के लिए एक घी का दीपक प्रज्वलित करके माँ सरस्वती के सम्मुख और माँ सरस्वती के मंत्र का जो है कि जाप करें आप, इससे आपके बच्चों का भी ज्ञान बुद्धि विद्या में जो है कि बल होगा और आपके भी मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी जो है कि वृद्धि होगी। आज आपके लिए लकी कलर रहेगा सफेद और भाग्य साथ देगा आपका 29%। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा, थोड़ा सा अपने व्यवहार में थोड़ा सा सुधार लाने का प्रयास कीजिएगा आज, क्योंकि ये चीजें जो आप बड़बोली ही आपकी सबसे बड़े आज नुकसान साबित हो सकता है। मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगा आज आपको, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी
चीज की कमी को लेकर के थोड़ा सा निराशा आपके मन में बनी रहेगी। तो वहीं पर व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी अगर कर रहे हैं तो नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वहीं पर अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पिता को लेकर के या पिता के साथ कहीं आपकी यात्राएं भी संभव हो सकती हैं। भाग्य आज आपका साथ देगा 28% और लकी कलर आज आपके लिए रहेगा नीला। वहीं पर कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन काफी बेहतर जाएगा, बहुत ही अच्छा इंजॉय करेंगे पूरे दिन आज आप। और साथ में आपका अगर दान करें आज तो आपके लिए काफी हद तक आपके सारे कार्य जो है कि बनते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान शिव की भी पूजा भी आज आपको करनी चाहिए और साथ में माँ सरस्वती की पूजा वंदना जो है आज आपको अवश्य करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान पुण्य करने से आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। वो कार्य कौन कौन से होंगे? विवाह होने में जो विलंबता हो रही थी वो समाप्त होगी। स्वास्थ्य को लेकर के जो दिक्कत परेशानियां आपके घर में बनी हुई है माता पिता के साथ में, तो ये भी चीजें आज समाप्त होने की उम्मीद है, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। तो आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, फुल एंजॉय करेंगे। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं आपकी, और ये निश्चित है कि धार्मिक यात्रा आपकी होनी हो, या आप कर रहे होंगे या फिर जाने वाले हैं या फिर आज आप प्लानिंग करेंगे। और यहीं से प्रारंभ होगा आपके व्यवसाय के लिए बेहतर होना। बाहर जाने की अगर योजना आपने बनाया है तो वो आपका सक्सेसफुल होगा। आज आपका भाग्य साथ देगा 22% लकी कलर आज आपके लिए रहेगा केसरिया। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन काफी बेहतर, लेकिन पिता और पुत्र के बीच में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रहेंगे। जीवन साथी के भी साथ में थोड़ा सा नकारात्मक स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वहीं पर दैनिक रोजगार को लेकर के बहुत अच्छी तरक्की होती हुई नजर आ रही है। थोड़े से अपने दुश्मनों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। किसी डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने से पहले पूर्ण रूप से उसको रीड कर ले। भाग्य आज आपका साथ देगा क्योंकि आज आप काफी भाग्यशाली रहेंगे। अचानक धन लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा और 100% होगा। आज आपको उपाय क्या करना है? माँ सरस्वती के समक्ष, माँ लक्ष्मी के समक्ष, माँ शेरावाली के समक्ष 3 दीपक प्रज्वलित करिएगा, और वो भी घी का दीपक होना चाहिए, तेल का नहीं। आज इस उपाय को करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्त रूपेण संस्था, नमस्तस्तई 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 नमो नमः, और साथ में विंध्याचल चालीसा को पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आज आपका लकी कलर रहेगा नारंगी। भाग्य साथ देगा आपका 26%। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन काफी बेहतर रहेगा। परिवार को लेकर के थोड़ी सी टेंशन में आप जरूर रहेंगे, लेकिन तो वहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए अचानक धन लाभ या बहुत बड़ा पोस्ट या हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है आज, और उसको आपको निभाना ही है। क्योंकि अगर जब पावर में होंगे तो निश्चित है कि बहुत सारी चीज़ों में इंक्रीमेंट हो जाती है, तो आप एक्सेप्ट करेंगे आज इसको आज। लेकिन थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा और अपनी माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा, और आप हेडेक बहुत ज़्यादा रहेगी, वर्कलोड आपके ऊपर आज बहुत ज़्यादा रहेगा। तो वहीं पर किसी महिला के द्वारा बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, और प्रपोज करने का भी आज का दिन वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही होगी, हम प्रपोज नहीं कर पा रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हो सकता है कि आपकी प्रेमिका से आपको या प्रेमी से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट आज आपका हो सकता है, बहुत बड़े नुकसान से भी आज बच सकते हैं। आपको उपाय क्या करना है? उपाय में आपको करना है किसी किन्नर को क्वाइंस दान देना है, रुपया नहीं देना है, क्वाइंस दान करना है आपको, और भगवान शिव की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप पूजा करते हैं उतना आपके लिए काफ़ी लगे रहेगा। और आज बेलपात्र लीजिएगा 5, और 5 बेलपात्र पर सफ़ेद बिंदी लगा करके भगवान शिव को अर्पित करें और जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। आज आपका लकी कलर रहेगा
फिरोजी और भाग्य साथ देगा आज आपका 33%। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी बेहतर जाएगा। गाड़ी वाहन या प्रॉपर्टी के संयोग पूर्ण रूप से बन रहे हैं, नए मकान के योग संभव है। साथ में जमीन या प्रॉपर्टी की कोई डील अगर आपकी रुकी हुई है लेने का या फिर बेचने के लिए, तो आज ये डील संभव हो जाएगी। पिता और पुत्र के बीच में थोड़े से संबंध आज अच्छे नहीं रहेंगे, थोड़ा कहासुनी भी हो सकती है, तो वहीं पर अपने संतान को लेकर के थोड़ा सा आज चिंतित रहेंगे आप, उसके कैरियर को लेकर के, उसके एजुकेशन को लेकर के। बाहर जाने का योग काफ़ी प्रबल बनता है या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का योग बनता है, लेकिन वहीं पर अगर शेयर मार्केट का काम अगर आप कर रहे हैं तो आज आप इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान आज आपका होने वाला है। उपाय क्या करेंगे आज आपको, ओम भूर्भुवः श्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप आपको करना है, यानी कि गायत्री मंत्र का जाप। घर के मंदिर में घी का दीपक जलाने के बाद में कम से कम 21 बार जो है किस मंत्र का जो है जाप करेंगे, और अपने मस्तक पर लाल कलर का टीका लगाने के पश्चात ही अब घर से बाहर निकले, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आज आपका लकी कलर रहेगा नीला और भाग्य प्रसन्न रहेगा आपका 31%। वृश्चिक राशि, आज आपका कॉन्फिडेंस पराक्रम भाव काफी मजबूत रहेगा। आपके जीवन साथी से आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, यानी कि आज आपके पुरुष हैं तो आपकी जीवन साथी यानी कि महिला के द्वारा बहुत बड़ा बेनिफिट है, और आप स्त्री हैं तो निश्चित है कि आपके जीवन साथी को भाग्य आपका साथ देगा, जीवन साथी को अच्छा लाभ, अचानक धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और आज ये निश्चित होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किया होगा आपने, ये चीजें होगा। तो वहीं पर पिता के स्वास्थ्य को लेकर के काफी दिक्कत परेशानियां जरूर रहेंगी, पिता के स्वास्थ्य को विशेष ध्यान भी दीजिएगा आप, अन्यथा तो काफी हद तक करके चीजों को खराब भी कर सकती है। बिजनेस व्यापार पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है आपको, उपाय को आपको ये करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको, और ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जो है आपको जाप इत्यादि कर लेना है। अपने मस्तक पर लाल कलर का टीका लगाएं, और आज आपका लकी कलर रहेगा पीला और भाग्य साथ देगा आपका 36%। धनुराशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी बेहतर रहेगा। परिवर्तन अगर कोई करना चाहते बिल्कुल कर सकते हैं, परिवर्तन आपके लिए लाभकारी आज हो सकता है। पिता से लाभ आज होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं या कुछ उत्सव या मांगलिक कार्य होने के योग बनते हैं, या कहीं पर आप मांगलिक कार्य हेतु आप वहाँ पर जा सकते हैं। वस्त्र इत्यादि भी खरीदने का भी आज कार्य हो सकता है। नौकरी वालों के लिए अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभी उनको इंतज़ार करना चाहिए, अभी रुकना पड़ेगा आपको। और वहीं पर व्यापारियों के लिए व्यापार में स्थानांतरण और परिवर्तन करने का समय है, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। इनके आज आपके लिए लकी कलर रहेगा केसरिया, भाग्य साथ देगा आपका 27%। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा जाने वाला है। व्यापारियों के लिए तो बहुत ही बेहतर कह सकते हैं, अचानक लाभ। और इसमें देखो लाभ किस प्रकार से होगा कि आज जो है नए लोग आपसे जुड़ेंगे, पुराना पैसा अगर कहीं फंसा होगा किसी व्यापारी के पास में तो वो आज आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अत्यधिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाग्य साथ देगा, भगवान शिव की आज आप पूजा करेंगे, यह उपाय आपके लिए काफी सार्थक सिद्ध होगा। किसी गरीब को अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान करें, अन्नदान वस्त्रदान कुछ भी जो है कि आपको आज दान करना चाहिए, इससे बहुत अच्छा लाभ होगा। उपाय आप भगवान शिव की ही पूजा करेंगे, इससे आपको बहुत जबरदस्त आश्चर्यजनक चमत्कार जिसको कहते हैं, अगर भोले बाबा को आप पकड़ के रखते हैं तो अपने जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आपको देखने को प्राप्त होगा। आज आपका भाग्य साथ देगा 21%, इसीलिए मैं कहता हूँ ग्रहों की दिशा को मोड़ने का अधिकार परमपिता परमेश्वर महादेव जी को है।
तो आप अगर उनकी शरण में सानिध्य में रहेंगे तो निश्चित रूप से कि जो आपके भाग्य कितना साथ दे रहा है, 21% है आपका। अपने आप अपने काम को भी खराब कर लेंगे आज, इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखिए। आज आपके लिए लकी कलर रहेगा आपका जामुनिया। वहीं पर हम कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए आज के दिन बहुत बढ़िया, पिता का सहयोग या पिता से सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है, यानी कि आप पिता का सहयोग करेंगे उससे भी बेनिफिट मिलेगा, या पिता से सहयोग मिलेगा उससे भी को जो है कि धन लाभ और अचानक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो वहीं पर आज आपके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत जरूर रहेगी, सर दर्द हो सकता है, आई साइड की प्रॉब्लम्स हो सकती है, और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा चोट चपेट भी लगने का आज चांसेस बनता है। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिए। किसी गुरु ब्राह्मण का आज आपसे मुलाकात हो सकती है, अपने गुरु से या किसी बूढ़े व्यक्ति से या जो आपके बहुत नियर एंड डियर होगा उनके साथ में जो है कि मुलाकात आपकी जरूर होगी, उससे लाभ होगा, बेनिफिट। आपको कैरियर में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं और ये परिवर्तन जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको बिजनेस में बेनिफिट नहीं होने वाला है। उपाय क्या करेंगे आप? ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जो है आपको जाप करना है, और साथ में आज माँ सरस्वती की पूरा पूजा और आराधना और उनकी बीज मंत्रों का जाप आप अवश्य करिएगा। आज आपके लिए लकी कलर रहेगा फिरोजी, और भाग के साथ देगा आपका 35% मीन राशि। जिसका स्वामी जो है गुरु हो तो धन में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, पावर में वृद्धि, अचानक धन लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। घर में कोई मंगल कार्य होने के योग बन रहे हैं। पेट से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स होते, आप बच्चे के लिए प्लानिंग कर सकते हो, बेबी के लिए प्लानिंग कर सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर है। या कुटुंब वृद्धि के लिए या शादी विवाह की अगर कोई बातचीत चल रही होगी तो वो भी यहाँ पर फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में चेंज निश्चित आपको करना पड़ेगा और ये बात आज आपको पता चल जाएगी। आज आपका लकी कलर रहेगा पीला, और भाग के साथ देगा आज आपको 28%। 13 मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का आज का हाल। अगला एपिसोड लेकर के पुनः हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।